नमस्कार अदाब सत श्री अकाल चैनल पंजाबी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं हरपिंदर कौर ते हाजिर हाँ लैके कैनेडा देश विदेश अते प्रवासी नाल जुड़ियां खबरां दा वीकली राउंडअप। सब तो पहला नज़र मार लैने आ अहम सुर्खियां ते। कैनेडा च वध रहे ने पंजाबियों के कतल के मामले। ब्रैम्पटन च एक होर अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी की हुई मौत। मिसिसागा विखे वैंकूवर का पंजाबी नौजवान गिरफ्तार। बैंकट हॉल विच हुई सी छुरेबाजी। अमेरिका च बजुर्गों नाल ठगियां मारदा सी भारती, हो सकती है 20 साल की कैद की सज़ा। कैनेडा च 2000 प्रवासी होणगे पक्के, PR लई भेजे गए इनविटेशन। अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों लई चंगी खबर, 12 महीनों लई 200 तो वध स्कॉलरशिप का ऐलान। ते हुण इना सरगर्मियां दा विस्थार। कैनेडा च पंजाबियों दियां मौतां दा आंकड़ा लगातार वधदा जा रहा है। आए दिन अजिही इक ना इक घटना की खबर सामने आ जाती है। ताज़ा मामला ब्रैम्पटन के एक फार्म हाउस च बीते दिनी कतल किए गए अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी लखबीर सिंह बैंस उर्फ लकी नाल संबंधित है। इस मामले च पील रीजन पुलिस वालों लखबीर के ही दोस्त शरणदीप कुमार नूं गिरफ्तार अते चार्ज किया गया। कैनेडा तो आए दिन गैंग वॉर दियां वारदातां संबंधित खबरां सामने आउंदियां ने, ते इन्हां दे विच पंजाबियों की शमूलियत किसी तो भी हुण लुकी नहीं है। हुण इस तो इलावा भी कई पंजाबियों दियां मौतां दियां खबरां सामने आ रही ने। ताज़ा मामला ब्रैम्पटन शहर का है। कैनेडा च ब्रैम्पटन शहर के पछम च एक वीरान फार्म च बीते दिन ही पंजाबी नौजवान लखबीर सिंह बैंस का कतल किया गया, जिसके दोष च पुलिस ने शरणदीप कुमार नामक नौजवान नू गिरफ्तार किया है। पता लगे है कि कातल अते मकतूल पंजाब दे बलाचौर इलाके तो ने अते एक दूसरे नू जानदे भी ने। वारदात तो कुछ समा पहला लखबीर अपने फोन राही पुलिस नू सूचित कर सकिया सी, पर पुलिस दे पहुंचन तो पहला ही दोषी ने रेंच नाल हमला करके वारदात नू अंजाम दे दिता। इस तो बाद ओहो नाल लगते जंगली इलाके च लुकण दी कोशिश करन लग गया। पुलिस ने हैलीकॉप्टर की मदद नाल उसकी पैड़ नप ली अते शरणदीप नू गिरफ्तार कर लिया। वारदात लई वरत्या गया रेंच पुलिस नू स्विमिंग पूल तो मिले आई। मिली जानकारी अनुसार इस घटना तो पहला शरणदीप मैनिटोबा च भी कुछ अपराधिक नशे नाल जुड़े हुए मामलों च शामिल रहा सी। मारिया गया नौजवान लखबीर तकरीबन 6 साल पहला कैनेडा पुज्या सी अते अजे पक्का भी नहीं होया सी। शरणदीप कुमार की कोर्ट च पेशी 2 सितंबर नू पई है। लखबीर दे परिवार की मदद लई एक गो फंडमी पेज भी शुरू किया है, जिसकी तस्वीर तुसी स्क्रीन ते देख सकते हो। ब्यूरो रिपोर्ट चैनल पंजाबी। मिसिसागा विखे पिछले महीने एक बैंकट हॉल विच होए कतल दे मामले दे तहत वैंकूवर दा पंजाबी नौजवान अमनदीप गरेवाल अते 3 होर जाणियां नूं काबू किया गया, जबकि 4 होरनां नूं गिरफ्तार किए जाना हजे बाकी है। यह गिरफ्तारियां एक महीने पहला बैंकट हॉल विच होई सी, छुराबारी उस नाल संबंधित ने। पंजाबी मूल दा 28 साल दा अमनदीप गरेवाल 23 साल दे एनिकलिन कुखा अते वीवीओ कुखा विरुद्ध पहले दर्जे दी हत्या दे दोष आयद किए गए ने। यह मामला कैनेडा नाल संबंधित है। पील रीजन पुलिस ने दस्या कि बर्नैल रोड दे स्थित ग्रैंड बैंकट विखे छुरेबाजी दौरान 2 जने गंभीर जख्मी होने की इतलाह मिली सी अते पुलिस दे पहुंचण ते इन्हां विचों एक दम तुड़ गया, जबकि दूजे शख्स नूं हस्पताल विच दाखल करवाया गया। वारदात तो एक हफ्ते बाद 13 जुलाई नूं पुलिस ने 7 जणियां दीआं तस्वीरां जारी करदिआं शक्कियां दी पैर नप्पण लई लोकां तों मदद भी मंगी। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ BC ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਟੌਡ ਅਲੀਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਦਕਾ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦਾ ਅਮਨਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਲਕਰੀ ਦੇ ਐਨਕਲੀਨ ਕੁਕਾ ਅਤੇ ਵੀਵੀਓ ਕੁਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਟੌਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 3 ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ 4 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਤਲਾਹ ਕਰੋ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਾਮਨਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ताज़ा मामला अमेरिका तो सामने आया जिथे एक भारतीय नागरिक अमेरिकन बजुर्गों नाल ठगियां मारता सी। अमेरिकन बजुर्गों नाल ठगियां मारन वाले भारतीय नागरिक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस दे चलदिआं उसनू 20 साल कैद की सज़ा भी हो सकती है। अदालती दस्तावेज़ों मुताबक 2020 तो अगस्त 2021 तक 29 साल के आशीष बजाज और उसके कुछ साथी अमेरिकन बजुर्गों नाल ठगियां मारते सी। उन्होंने अपने आप नू वक-वक बैंकां, ऑनलाइन रिटेलर्स और ऑनलाइन पेमेंट कंपनियां दा धोखाधड़ी रकू माहर दसदे हुए बहुत सारे बजुर्गों नू निशाना बनाया। बजाज और उसके साथियों ने पहला बजुर्गों को अपने बैंक खातों में पैसे पवाए और कथित स्टिंग ऑपरेशन तो कुछ दिन बाद उन्होंने पैसे वापस करने का झूठा वादा किया। पीड़ितों ने उन्हों गलों में वह आ गए और पैसे ट्रांसफर भी कर दते। ये पैसे भारत, चाइना, सिंगापुर UAE स्थित वक-वक बैंकों भेजे गए। जानकारी मुताबक पीड़ित बजुर्गों ने ऑनलाइन ढंग नाल बजाज के अमेरिका विच खुल गए कई बैंक खातियां विच पैसे भेजे। इस तरह बजाज से उसके साथियों ने अमेरिकन बजुर्गों को कुल मिला के $250,000 की वट्टी रकम की ठगी मारी है। फड़े जाने मगरों हुण आशीष बजाज नूं इस मामले विच 20 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल पंजाबी। कैनेडा दे विच हुण 2000 नवे प्रवासी पक्के होणगे जिन्हां नूं एक्सप्रैस एंट्री ड्रॉ दे तहत PR लई सद्दे भेज दिते गए ने। इस दे नाल ही इमीग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप ऑफ कैनेडा ने कई स्पैशल मापदंडां दा ऐलान भी कीता है। कैनेडा तो इमीग्रेशन संबंधी एक नवी जानकारी सामने आई है। कैनेडा दे विच 2000 नवे प्रवासी पक्के होण जा रहे ने जिन्हां नूं एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ के तहत PR लई सद्दा भेज दिता गया। स्किल्ड न्यू कमर्स लई कैनेडा के प्रसिद्ध इमीग्रेशन मार्गों विचों एक मन्ने जांदे एक्सप्रेस एंट्री के राही उन्हां प्रवासियों नूं ही सद्दा पत्र भेजे गए ने जिन्हां दा CRS स्कोर लगभग 533 बनता है। कैनेडा की परमानेंट रेजीडेंसी लई उन्हां 2000 प्रवासियों नूं ही सद्दा पत्र भेजे गए जिन्हों का CRS भाव कॉम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम स्कोर लगभग 533 है। 3 अगस्त नूं कढ़े गए एक्सप्रैस एंट्री के इस ड्रॉ लई CRS स्कोर 20 जुलाई नूं कढ़े गए। पिछले ड्रॉ नालों 9 अंक इस दे विच घट सी। इस तो इलावा पिछले ड्रॉ के मुकाबले इस ड्रॉ दे विच 250 वाधू उम्मीदवारां नूं कैनेडा की PR लई सद्दा पत्र प्राप्त होए। पहला कटे गए ड्रॉ के वेले 1750 प्रवासियों को PR लई ITA भाव इनविटेशन टू अपलाई मिलिया सी। बीती 6 जुलाई नू सारे इमीग्रेशन प्रोग्राम मुड़ शुरू होने मगरों एक्सप्रैस एंट्री के तहत हुण तक 5250 प्रवासियों को कैनेडा की PR लई सद्दा मिल चुके है। दस दईए कि इमीग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कैनेडा ने लगभग 18 महीने इन्हों ड्रॉ प्रोग्रामा ते पाबंदी ला के रखी। उस दौरान सिर्फ CEC भाव कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास या फिर PNP भाव प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम तहत ही PR लई योग उम्मीदवारां नूं सद्दा दिता गया सी। उस तो बाद बीते जुलाई महीने दे शुरू विच इन्हों ड्रॉ प्रोग्रामा दी मुड़ शुरुआत की गई है। एक्सप्रैस एंट्री दे राही कैनेडा ने 2022 विच 55,900 तो वध सितंबर 2021 अते जुलाई 2022 दे विचकार एक्सप्रैस एंट्री CEC उम्मीदवारां दे सद्यां ते रोक लगन कारण हजारा पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट यानी कि PGWP धारकां दे वर्क परमिट दी म्याद खत्म हो गई सी। CEC इनविटेशन्स दी एबसेंस दे विच एह प्रवासी ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट लई भी अप्लाई नहीं कर सके। इस दौरान उन्हां कोल IRCC वलों उन्हां दी प्रवासियां नूं PR देण दा टीचा मिथिया गया जबकि 2024 दे अंत तक इस टीचे नूं 1,11,500 तक वधाया जाएगा। PR एप्लीकेशन प्रक्रिया दी उडीक करन तो इलावा कोई चारा ही नहीं सी उस वेले। बीते दिन ही इमीग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप ऑफ कैनेडा ने स्पैशल मापदंडों का ऐलान किया है जिस तहत म्याद पुग चुके पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट धारकों के ओपन वर्क परमिट की म्याद 18 महीनों तक बढ़ जाएगी।
इस तों इलावा कोरोना पाबंदियां कारण जिन्हां कौमांतरी विद्यार्थियों ने मजबूरी वस लगभग 2 साल ऑनलाइन ढंग नाल अपनी पढ़ाई पूरी की सी उन्हां लई भी राहत की खबर आ रही है। दरअसल IRCC ने हाल ही विच ऐलान किया है कि कैनेडा विच कोरोना दौरान ऑनलाइन ढंग नाल पढ़ाई पूरी करने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नू इसका PR हासिल करन लई CRS स्कोर विच लाभ होवेगा। दस दिए कि एक्सप्रेस एंट्री 3 कैनेडियन इमीग्रेशन प्रोग्रामा लई एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम है जिन्हां दे विच कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास फैडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम अते फैडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम्स शामिल है। इत्थे ये भी दसना बनता है कि एक्सप्रेस एंट्री विच उम्मीदवारां दी प्रोफाइल नू दर्जा देने लई अंक आधारित प्रणाली यानी कि कॉम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम CRS दी वरतों की जाती है। इस च उच्च स्कोर हासिल करने वालियां नू ही ITA भाव इनविटेशन टू अपलाई भेजा जाता है। इस तों बाद ही ओह कैनेडा दी परमानेंट रेजीडेंसी लई अपलाई कर सकते हैं। इसीलिए तुसी भी अपनी तैयारी खिंच लवो और जल्द ही कैनेडा दी PR लई एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम विच अप्लाई कर दो। ब्यूरो रिपोर्ट चैनल पंजाबी। कैनेडा दे विच बहुत सारियां नौकरियां खाली पईयां ने। जॉब वैकेंसीज बारे समय समय ते जानकारी दित्ती जा रही है। इस बारे स्टैटिक्स कैनेडा ने ताज़ा आंकड़े सांझे किए ने जिन्हां दे मुताबिक मौजूदा समय 1 मिलियन यानी कि 10 लाख तो वध जॉब्स खाली पईयां ने जिन्हां लई वर्कर्स नहीं लभ रहे। हुण तुहानूं दस दें कि अलग अलग सूबियां दे विच जॉब्स दे की हालात ने इस खास रिपोर्ट दे विच जो कि पूरी तरह इंप्लॉयमेंट दे उत्ते बेस्ड है। जेकर तुसीं कैनेडा जाण दा सुपना देख रहे हो तां तुहाडे लई इह एक बहुत अहम खबर है क्योंकि इस वेले कैनेडा दे विच लखां दी गिनती च नौकरियां कामियां नूं लभ रहियां ने। नौकरियां तां हैं कैनेडा दे विच पर उहनां ते काम करन लई वर्कर्स दी कमी है। कैनेडा दे विच कामियां दी उडीक कर रहियां नौकरियां दी गिनती 10 लख तों टप गई है। इह इक वार नहीं बल्कि इस बार दूजी तीजी वार होया। स्टैटिक्स कैनेडा ने मई 2022 लई अपनी मंथली पेरोल इंप्लॉयमेंट अर्निंग आर्स अते जॉब वैकेंसी की रिपोर्ट जारी की है जिस तों बाद यह गल सामने आई। रिपोर्ट के आधार पर कैनेडा दे विच अपने मालक तो तनखा या लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की गिनती मई 2021 तो बाद पहली बार घटी है। सर्वे ऑफ इंप्लॉयमेंट पेरोल्स एंड आर्स के आंकड़ों तैयार किया गया सर्वे ये दर्शाता है कि पिछली मई तक 26,000 नौकरियां हुण तनखा ते नहीं हन। सब तो वध कमी ओंटैरियो अते मैनिटोबा विच देखी गई जिस विच करमवार 30,000 अते 2,500 जॉब वैकेंसीज की रिपोर्ट की गई है। ब्रिटिश कोलंबिया ही एक अजिहा प्रोविंस सी जिसने तनखा वाले कर्मचारियों विच वाधा दर्ज किया है। कैनेडा दे विच पेरोल कर्मचारी ज़्यादातर सैक्टरां दे विच घट दे दिखाई दे रहे हैं। सर्विसेज प्रोड्यूसिंग सैक्टर विच कुछ सब तो महत्वपूर्ण कमियां वेखियां गईयां जिन्हां विच विद्यक यानी कि एजुकेशनल सर्विसेज हेल्थकेयर अते सोशल असिस्टेंस वर्गे खेतरां विच तनखा ते 17,000 नौकरियां तो वध नुकसान की रिपोर्ट की गई है। सैक्टर दे सारे उद्योगां विच कंस्ट्रक्शन दे विच नौकरियां च महत्वपूर्ण कमी दिखाई दित्ती। मई दे विच 17,500 तो वध नौकरियां खत्म हो गई जो कि जुलाई 2021 तो बाद पहली कमी नूं दर्शाउंदा है। ओंटैरियो दे विच ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन दीआं नौकरियां खत्म हो गई सन जो कि उस सैक्टर विच रोजगार की कमी का लगभग 2/3 हिस्सा है। इस नुकसान का मुख कारण पूरे प्रोविंस विच हड़तालां हन जिन्हां कारण कई प्रोजेक्टां विच महत्वपूर्ण देरी हुई है। हेल्थकेयर सैक्टर की गल करिए हेल्थकेयर सैक्टर विच नौकरियां दीआं असामियां लगातार वधदियां जा रहियां ने। मई दे विच कैनेडा की बेरोजगारी दर 5.1% दे उस समय दे रिकॉर्ड हेठले पद्धर ते सी। ए जून विच होर घट के 4.9% ते हो गई। सर्वे दे अनुसार सेहत संभाल यानी कि हेल्थ केयर अते समाजिक सेवावां दे खेतर विच नौकरियां दी खाली असामियां दी दर तेजी नाल वध के 1,43,000 खाली असामियां या फिर तुसी कह सकते हो कि 6.1% हो गई है। ये अप्रैल विच खाली असामियां दी दर नालों एक महत्वपूर्ण वाधा है जो कि मई 2021 दे मुकाबले 5.4% अते 20% तक वध सी। नोवा स्कॉशिया ते मैनिटोबा दोवां दे विच मई दे विच 10% तो वध नौकरियां दीआं खाली असामियां सन यानी कि जॉब वैकेंसी सी। ज़्यादातर रिहायश अते भोजन सेवावां दे खेतर दे विच सन।
जिस विच 1,61,000 नौकरियां दियां असामियां दी रिपोर्ट कीती गई। रिहायश अते भोजन सेवावां विच इह लगातार 13वां महीना है जिथे सब तों वध जॉब वैकेंसीज देखण नूं मिलियां। कैनेडा दे विच समय लो अनइंप्लॉयमेंट अते हाई जॉब वैकेंसीज दा दौर जारी है। कैनेडा दे विच 10,00,000 तों वध नौकरियां खाली पईआं ने। इह अप्रैल दे आंकड़ियां नाल मेल तां खांदा है, पर मई 2021 तों हुण तक 3,00,000 तों वध खाली जॉब वैकेंसीज वध गईआं ने। मई 2022 लई लेबर फोर्स सर्वे द्वारा दर्शाए गए लो अनइंप्लॉयमेंट रेट दे नाल हाई जॉब वैकेंसी रेट कई खेत्रां विच मजदूरां दी वध रही घाट वल इशारा करदा है अते कैनेडा विच इमीग्रेशन दी वध रही लोड़ नूं भी दर्शाउंदा है, क्योंकि इसका कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र तक पहुँच का बहुत फर्क पैंदा है। कैनेडा विच इस वेले 4,30,000 तो वध दे टीचे दे नाल 2022 विच अपने हुण तक दी सब तो वध परमानेंट रेजिडेंस नूं सद्दा देण दी योजना बनाई गई है। इह टीचा 2024 विच 4,50,000 तो वध दा वेख्या जा रहा है। हुण देखणा इह होवेगा कि कैनेडा दा इमीग्रेशन रेट किन्ना वधदा है, पासपोर्ट अते इमीग्रेशन बैकलॉग कदों घटेगा अते कैनेडा दीआं लेबर लोड़ां कदों पूरीआं होणगीआं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल पंजाबी। कैनेडा च वापरे वख-वख हादसों च हरियाणा नाल संबंधित दो पंजाबी नौजवानों की मौत हो जाने की दुखदायक खबर सामने आई है। न्यूफाउंडलैंड सूबे के सेंट जॉन शहर विखे वापरे सड़क हादसे च संदीप सिंह धालीवाल की मौत हो गई। हरियाणा के जिला सिरसा नेड़े पिंड अलीका का संदीप सिंह सितंबर 2021 च विद्यार्थी वीजे ते कैनेडा आया सी, जबकि ब्रिटिश कोलंबिया विच वापरे एक होर हादसे च जसकीरत सिंह की मौत हो गई है। वह सिर्फ 20 वर्यां दा दस्या जा रहा है। अंबाला दा जमपाल जसकीरत सिंह 2018 दे विच विद्यार्थी वीजा ते कैनेडा आया सी ते मापिआं दा ओह इकलौता पुत्तर सी। कैनेडा विच दो पंजाबी नौजवानां दी वख-वख सड़क हादसों च मौत होण दी दुखद खबर सामने आई है। न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर विच तेज़ बारिश कारण वापरे हादसे दौरान जिथे संदीप सिंह धालीवाल दम तोड़ गया, उत्थी ब्रिटिश कोलंबिया विखे जसकीरत सिंह इस फानी दुनिया नू अलविदा गया। कैनेडा दी पुलिस RCMP ने दसिया है कि सेंट जोन्स के पछम वलों सोल्जर्स पौंड नेड़े ट्रांस कैनेडा हाईवे ते सैटरडे बाद दोपहर एक कार बेकाबू हो गई अते कई पलटियां खांदी हुई हाईवे दे विचकार बने डिवाइडर ते जा चढ़ी। पैरामेडिक्स वालों संदीप सिंह नूं हस्पताल ले जाया गया, पर डॉक्टरां ने लख यतना दे बावजूद उसनूं ओह बचा ना सके। उस तो बाद एतवार नूं पुलिस ने एक होर व्यक्ति दी मौत होण बारे दस्या, जिसकी शनाख्त जनतक नहीं कीती गई, पर संदीप सिंह दे दोस्तां ने उसकी तस्वीर जनतक कर दिती। संदीप सिंह दे दोस्त हरदीप सिंह ने दस्या कि ओह पिछले साल सैप्टेंबर दे विच स्टडी वीजा ते कैनेडा आया सी। संदीप सिंह हरियाणा के सिरसा जिले के पिंड अलीका नाल संबंधित दसिया जा रहा है। संदीप सिंह की देह भारत भेजण लई उसके दोस्तों वालों गो फंडमी पेज भी स्थापित किया गया, जो कि तुसी इस स्क्रीन पर देख सकते हो। दूजे पासे ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर शहर में वापरे हादसे दौरान 20 साल जसकीरत सिंह की मौत हो गई। दस दिए कि जसकीरत सिंह 2018 स्टडी वीजा ते कैनेडा आया सी अते एक महीना पहला ही वैंकूवर की क्वांटन पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी तो उसने डिग्री मुकम्मल की। जसकीरत के परिवार ने कर्जा लैके उसनू कैनेडा भेजा अते जदों कमाई करके कर्जा मोड़न का समा आया तो वह इस दुनिया तो चला गया। जसकीरत सिंह अपने परिवार का आर्थिक बोझ खत्म करना चाहता सी अते इसे करके पिछले 4 साल विच एक बार भी वह भारत मुड़ के वापस परिवार को नहीं गया। परिवार वास्ते कुछ करन दा सुपना उसका अधूरा ही रह गया। खबरों के मुताबिक वह सिर्फ 20 वर्यां दा सी। अंबाला दा जमपाल जसकीरत सिंह 2018 च विद्यार्थी वीजा ते कैनेडा आया सी। वह अपने मापिया का एक लौता सहारा सी। जसकीरत सिंह का अंतिम संस्कार वैंकूवर विखे ही किया जा रहा है।
आए दिन कैनेडा तो अजिहां दुखद खबरां सामने आंदियां रहिंदियां ने जिथे अपने सुनहरे भविख लई पंजाबी नौजवान उन्हां दे परिवार कर्जा लैके उन्हां नूं कैनेडा विदेश की धरती ते तां भेज दिंदे ने पर उन्हां नूं नहीं पता हुंदा कि अगले ही दिन कीड़ी खबर उन्हां दा इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट चैनल पंजाबी। अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों नाल जुड़ी हुई यह खबर है। अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी किसी भी देश की आर्थिकता विच महत्वपूर्ण योगदान पाते हैं अते विद्यक प्रदाता यह उम्मीद कर रहे हैं कि सरहदां नूं मुड़ खुलण नाल देश भर के स्कूलों अते यूनिवर्सिटियां नूं मुड़ हलारा मिलेगा। न्यूजीलैंड विच पढ़ाई करन दे चाहवान भारतीय विद्यार्थियों लिए यह चंगी खबर है जिथे भारतीय विद्यार्थियों लिए हज़ारा डॉलर की स्कॉलरशिप शुरू की गई है। आओ जानते हैं सारी डिटेल्स। विदेश में जाके पढ़ाई करन दा सुपना अजकल हर एक विद्यार्थी देखता है पर उत्थे जाना ता सखाला है पर रोजाना जिंदगी च विचरना उन्ना ही मुश्किल। कालजां दीआं फीसां तुहानू स्थानक विद्यार्थियों नालों किते 10 गुणा तो ज़्यादा भरनिया पैंदियां ने। इसलिए विदेशों में जाके कई विद्यार्थी कई कई घंटे नौकरी भी करते ने। उस तो बाद घरेलू खर्चे इन्ने ज़्यादा वध जांदे ने कि उन्हां दे हत्थां विच कुछ भी नहीं बचदा। इसी दे चलदियां न्यूजीलैंड सरकार एक बहुत वधिया योजना लेके आई है। न्यूजीलैंड विच पढ़ाई करन दे चाहवान भारतीय विद्यार्थियों ने यह एक बहुत चंगी खबर है। पैसिफिक कंट्रीज दीआं सरहदां पूरी तरह खुलन दे नाल ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ने भारतीय विद्यार्थियों लई नवी स्कॉलरशिप्स की एक एक्सटेंसिव रेंज पेश कीती है जिसकी कीमत 20,000 डॉलर है। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि वह भारतीय विद्यार्थियों नूं कैंपस विच दोबारा लियाउण लई उत्सुक है। यूनिवर्सिटी ने दस्सिया है कि उसने 200 तो वध स्कॉलरशिप्स शुरू कीतियां ने जो कि साल 2023 दे 12 महीनियां लई लगभग 1.5 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर होवेगा। स्कॉलरशिप्स बारे अगे जानकारी दिंदियां यूनिवर्सिटी ने दस्सिया कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड इंडिया हाई अचीवर्स स्कॉलरशिप दे एप्लीकेंट्स 10 अक्तूबर नूं होणगे जिस तहत हरेक अंडर ग्रैजुएट अते पोस्ट ग्रैजुएट कॉलेज दा विद्यार्थी अप्लाई कर सकदा है। स्कॉलरशिप साल विच 2 बार दित्ती जावेगी जिस विच 115 विद्यार्थी चुने जाणगे। हुण आपां गल करांगे होर डिटेल्स बारे। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड दे डायरेक्टर इंटरनेशनल आइंसली मूर ने कहा है कि हरेक चक्कर दे विच 20,000 डॉलर तक दीआं 5 स्कॉलरशिप्स 10,000 डॉलर दीआं 10 स्कॉलरशिप्स अते 5,000 डॉलर तक दीआं 100 स्कॉलरशिप्स दित्तियां जाणगियां। उन्होंने अगे दस्सिया कि यह ऑकलैंड यूनिवर्सिटी लई एक महत्वपूर्ण निवेश है अते असीं इन्हां उच्च कोटि दे विद्यार्थियों का ऑकलैंड विच स्वागत करन लई बहुत उत्सुक हाँ खास करके कोविड अते तालाबंदी दे पिछले कुछ सालों तो बाद तां इह बहुत ही जरूरी हो गया सी। उन्होंने अगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी साडे कैंपस विच विभिन्नता शामिल करदे ने अते इस दे नाल ही यूनिवर्सिटी तो बाहर रिसर्च अते न्यूजीलैंड दे कर्मचारियों विच एक प्रमुख भूमिका भी निभाउंदे ने। दूजी ओर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड दे डेप्टी वाइस चांसलर डायरेक्टर ने कहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड विश्व भर विच वधिया प्रदर्शन करन वाले कॉलेज विद्यार्थियों का कैंपस विच स्वागत करके बहुत खुश है। हाल ही विच 26 जुलाई नूं न्यूजीलैंड सरकार ने इमीग्रेशन रिसेंबलेंस रणनीति दे तहत नवी निवेशक प्रवासी वीज़ा श्रेणी पेश कीती है जिसका उद्देश्य तजर्बेकार उच्च मुल वाले निवेशकों नूं घरेलू कारोबारों विच निवेश करन लई आकर्षित करना है। दस दईए कि मार्च 2020 विच कोविड-19 महामारी की तालाबंदी होण तों बाद पहली बार देश ने दुनिया भर के सैलानियों नूं अपनियां सरहदां नूं पूरी तरह दोबारा खोलण लई परवानगी दित्ती। गल करिए अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड की आर्थिकता विच महत्वपूर्ण योगदान पाते हैं अते विद्यक अपराधा उम्मीद करते हैं कि सरहदां मुड़ खुलण तों बाद देश भर के स्कूलों अते यूनिवर्सिटियां नूं मुड़ तों हुलारा मिलेगा। न्यूजीलैंड के लोगों लई 1 फरवरी विच सरहदां मुड़ खोलणियां शुरू हो गई सी अते पाबंदियां हौली हौली घटाईआं गईआं। उन्हां विजिटर्स दे नाल बॉर्डर दोबारा खोलण की प्रक्रिया जिन्हां नूं वीज़ा की जरूरत है अते विद्यार्थी वीज़े ते हन उन्हां नूं भी न्यूजीलैंड वापस जाण की इजाजत दिती गई है। न्यूजीलैंड पहुँचने वाले ज़्यादातर सैलानियों नूं अजे भी कोविड-19 के विरुद्ध टीकाकरण की लोड़ है अते पहुँचने तों बाद 2 कोविड टैसट करवाने जरूरी ने हालांकि इत्थे क्वारंटीन की लोड़ खत्म हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट चैनल पंजाबी।
कैनेडा दे 23 साल हॉकी खिडारी परम धालीवाल की मौत की दुखदाई खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक धालीवाल लंघी 30 जुलाई न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे के मृतक पाया गया सी। वेस्ट कलोना वॉरियर्स ने ट्वीट करके इस संबंधी जानकारी दी है। कैनेडा तो आए दिन पंजाबी नौजवानों नाल जुड़ियां दुखदाई खबरां सामने आ रही ने ते यह सिलसिला रुकन का नाम नहीं लै रहा। सरी निवासी अते साबका वेस्ट कैलोना वॉरियर्स दे हॉकी खिडारी पंजाबी नौजवान परमजोत धालीवाल की मौत की खबर सामने आई है। परम धालीवाल सिर्फ 23 साल का सी। इन्नी क निक्की उम्र च उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया सी अते काफ़ी कुछ हजे हासिल करना सी। बीते वीकेंड दौरान परम धालीवाल की न्यूयॉर्क सिटी के एक होटल विच मौत होने संबंधी जानकारी सामने आई। हालांकि मौत के कारणों का पता नहीं लग सकिया पर खबरों के मुताबिक उसनु न्यूयॉर्क सिटी के एक होटल विच सफाई कर्मचारियों ने देखिया। न्यूयॉर्क विच अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। दस दिए कि साल 2016 तो साल 2018-19 के 3 सीजन दौरान परम धालीवाल ने 38 गोल और 82 असिस्ट हासिल किए सन। उसने 148 गेम्स च अपना योगदान भी पाया सी। परमजोत धालीवाल के गुजरन की खबर तेजी नाल सोशल मीडिया से फैल गई है और पूरे कैनेडा विच सोग की लहर है। ये खबर फैलन तो बाद लीग दियां टीमां ने उसनु श्रद्धांजलि देनी शुरू कर दी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਰਮ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ 'ਚ ਐਤਵਾਰ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸਰੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਪਰਮ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ते यह सिलसिला रुकन का नाम नहीं लै रहा। सरी निवासी अते साबका वेस्ट कैलोना वॉरियर्स दे हॉकी खिडारी पंजाबी नौजवान परमजोत धालीवाल की मौत की खबर सामने आई है। परम धालीवाल सिर्फ 23 साल का सी। इन्नी क निक्की उम्र च उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया सी अते काफ़ी कुछ हजे हासिल करना सी। बीते वीकेंड दौरान परम धालीवाल की न्यूयॉर्क सिटी के एक होटल विच मौत होने संबंधी जानकारी सामने आई। हालांकि मौत के कारणों का पता नहीं लग सकिया पर खबरों के मुताबिक उसनु न्यूयॉर्क सिटी के एक होटल विच सफाई कर्मचारियों ने देखिया। न्यूयॉर्क विच अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। दस दिए कि साल 2016 तो साल 2018-19 के 3 सीजन दौरान परम धालीवाल ने 38 गोल और 82 असिस्ट हासिल किए सन। उसने 148 गेम्स च अपना योगदान भी पाया सी। परमजोत धालीवाल के गुजरन की खबर तेजी नाल सोशल मीडिया से फैल गई है और पूरे कैनेडा विच सोग की लहर है। ये खबर फैलन तो बाद लीग दियां टीमां ने उसनु श्रद्धांजलि देनी शुरू कर दी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਰਮ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ 'ਚ ਐਤਵਾਰ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸਰੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਪਰਮ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵੱਲੋਂ PNP ਡਰਾਅ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। PNP ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ PNP ਅਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਅਰੀਮਾ ਡਰਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 18 ਤੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,750 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ हर दो हफ्तियां विच हुंदे ने। लंबे समय की रोक तो बाद इमीग्रेशन रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कैनेडा हुण एक बार फिर तो सारे प्रोग्राम एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ आयोजित कर रहे हैं। दस दिए कि 2020 तो बाद पहला ऑल प्रोग्राम ड्रॉ 6 जुलाई नू आयोजित किया गया सी अते कुल 1500 एक्सप्रेस एंट्री उम्मीदवारां नू घट्टो घट्ट कॉम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम यानी कि CRS स्कोर 557 दे नाल परमानेंट रेजिडेंस लई अप्लाई करन लई सद्दा प्राप्त होया सी। सब तो ताज़ा एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ 20 जुलाई नू 1750 सद्दे जारी किए गए सन। 2024 तक कैनेडियन सरकार द्वारा सालाना एक्सप्रेस एंट्री दाखलियां दी गिनती लगभग 1,11,500 प्रवासियों तक वधा दिती जाएगी। हुण गल करांगे 18 तो 22 जुलाई दे विचकार आए PNP अते क्यूबिक अरेमा ड्रॉ दी कि किन्ने उम्मीदवारां दी किस्म जागी है। शुरुआत विच गल करांगे ब्रिटिश कोलंबिया दी। ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस विच आम तौर ते वीकली बेसिस ते ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी कि BCPNP सदियां दा दौर हुंदा है। ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम दे तहत सत्ता पत्रां दा सब तो ताज़ा दौर 19 जुलाई नू आयोजित किया गया सी। इन्हां ड्रॉज विच 165 तो वध उम्मीदवारां नू सूबाई नामजदगी लई अप्लाई करन लई सद्दा पत्र प्राप्त होए सन। इस हफ्ते दे ड्रॉ गतिविधि दे खास सैक्टरां लई एम्ड सी। इन्हां विचों कुल मिला के 139 उम्मीदवारां नू टैक ड्रॉ राहीं सद्या गया सी। इन्हां उम्मीदवारां नू ब्रिटिश कोलंबिया दी एक्सप्रेस एंट्री BC या फिर स्किल्ड इमीग्रेशन कैटेगरीज विचों इक दीआं लोड़ां नू पूरा करना जरूरी सी जो कि स्किल्स एंड इमीग्रेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि SIRS द्वारा प्रबंधित कीतियां जांदियां ने। सदे गए उम्मीदवारां नू घट्टो घट्ट 85 अंक हासिल करने ही पैंदे ने। हुण गल करांगे ओंटेरियो दी। 15 जुलाई 2022 नू ओंटेरियो इमीग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम यानी कि OINP ने 146 अते 174 अंकां दे विचकार स्कोर वाले उम्मीदवारां नू एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम दे तहत अप्लाई करन लई 33 इनविटेशन टू अप्लाई यानी कि ITAS जारी किए। अगला प्रोविंस है मैनिटोबा। मैनिटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी कि MPNP ने 366 उम्मीदवारां नू 14 जुलाई नू अप्लाई करन लई सद्दा दित्ता है। इस तों बाद नाम आउंदा है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड दा। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी कि PEIPNP ने 21 जुलाई नू कुल 165 इमीग्रेशन उम्मीदवारां नू सद्दा दित्ता। एक्सप्रेस एंट्री अते लेबर इंपैक्ट कैंडिडेट्स नू सब तो वध सद्दे प्राप्त होए जो कि कुल मिला के 138 सन। स्क्वैचुअन इमीग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम यानी कि SINP ने 14 जुलाई लई सद्दा पत्र दे नतीजे प्रकाशित किते जिथे 627 उम्मीदवारां नू प्रोविंशियल नॉमिनेशन लई अप्लाई करन लई सद्दा दित्ता गया। यह दो हफ्तियां विच दूजा SINP ड्रॉ है अते 2022 दा सब तो वड्डा ड्रॉ है। आखिर विच गल करांगे क्यूबेक दी। क्यूबेक दी किसी भी होर प्रोविंस नालों अपनी इमीग्रेशन प्रणाली उत्ते वधेरे ऑटोनमी है अते इसलिए यह PNP विच हिस्सा नहीं लैंदा। जिहड़े लोग प्रोविंस दी इमीग्रेशन प्रणाली राहीं प्रवास करना चाहुंदे ने उहनां नूं आम तौर ते इंटरस्ट पोल लई इक प्रोफाइल जमा कराउण दी लोड़ हुंदी है जिसनों की अरेमा कहा जाता है। सूबाई अधिकारी फिर उन्होंने उम्मीदवारों को सद्दा देंदे हन जिन्हां दे प्रोफाइल इमीग्रेशन प्रोग्राम लई मापदंडां ते फिट बैठते हैं। आखिरी बार 28 जून नूं MIFI ने 351 उम्मीदवारों नूं क्यूबेक रेगुलर स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम यानी कि QSWP दे तहत परमानेंट सिलेक्शन लई अप्लाई करन लई सद्दा दित्ता सी। तुसी भी सारे अपनी तैयारी खिंच लवो क्योंकि हुण कैनेडा ने एक्सप्रेस एंट्री दे ड्रॉ कढ़ने शुरू कर दित्ते ने अते तुहानूं भी तुहाडी परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि कैनेडा दी PR जल्द हासिल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट चैनल पंजाबी। कैनेडा दे इमीग्रेशन मंत्रालय वल्लों एक्सप्रेस एंट्री दे ड्रॉ बहाल कर दित्ते गए ने अते पहले ड्रॉ च हुनरमंद वर्कर यानी कि स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम अते कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास यानी कि CEC दे 1500 उम्मीदवारां नूं अप्लाई करन दा सद्दा भेजिया गया। 557 रहा है जिसका भाव है कि इस तो वध स्कोर वाले उम्मीदवारों नूं ही इस ड्रॉ च मौका मिल सकेगा। दस दई कि हुनरमंद कामे यानी कि स्किल्ड वर्कर्स लई कैनेडा दे दरवाजे 1967 च खोले गए सन
ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ 2020 ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਕੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਚ 45% ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ CEC ਤਹਿਤ ਪੱਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ FSWP ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। FSWP ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫੈਕਟਰਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ FSWP ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਰੇਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂਨੀਕ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 3 ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ FSWP ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ FSWP ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟੈਸਟ 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 'ਤੇ 7 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ FSWP ਸਕੋਰਿੰਗ ਗ੍ਰਿਡ 'ਤੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 67 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। FSWP ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ NOC ਹੁਨਰ OA ਅਤੇ B ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। FSWP ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 3 ਯੋਗ NOC ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। NOC O ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, NOC A ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, NOC B ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੋਗ FSWP ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ECA ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਕਰਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ FSWP ਲਈ ਕੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ? FSWP ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਯਾਨੀ ਕਿ CLP ਸਕੋਰ 7 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡਰਾਅ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ CEC ਦੇ ਡਰਾਅ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿਖੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਭਾਰਤੀ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 2000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣਗੇ ਪੱਕੇ, PR ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।